बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक जलदीप दंती खरगोश और एक बोलबाले कछुआ रहते थे। खरगोश बहुत ही जल्दी चलता था और हमेशा अपनी तेज गति पर गर्व करता था। वह दिन भर दौड़ता रहता था और अपनी जल्दबाजी की जय जयकार करता रहता था। वहीं कछुआ धीरे धीरे चलता था और हमेशा अपने आशीर्वाद और ज्ञान का उपयोग करता था। वह जंगल के सभी जानवरों के साथ मित्रता करता था और सभी की मदद करता था। एक दिन खरगोश अपनी तेज गति की जय जयकार करता हुआ खुद को जीतने का वादा करता हुआ कहता है, मुझे कोई भी इस समय मेरे साथ दौड़ने के लिए आगे नहीं आ सकता, मैं सभी से तेज हूँ। कछुआ, जिसके पास एक जरा सा भी अहंकार नहीं था, उसने खरगोश के वादे को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा खरगोश भाई, हम एक दौड़ लगाते हैं। खरगोश अचानक हैरान हो गया, लेकिन उसने कछुआ को तत्काल अपनी विजय के लिए चुनौती दी। दौड़ शुरू हो गई। खरगोश तेज गति से दौड़ने लगा, जबकि कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। खरगोश ने दौड़ की लगाते बढ़ाई, लेकिन फिर भी कछुआ उससे आगे ही था। खरगोश को हैरानी हुई, उसने सोचा, मैं इतना तेज कैसे हार सकता हूँ? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? खरगोश ने एक आधा मील बाद कछुआ को देखा और तत्पश्चात उसने उसे ठहाका दिया, धीमा चलने वाले, तुम तो धीरे धीरे जाकर भी मुझसे पहले पहुँच गए। कछुआ मुस्कुराया और कहा, खरगोश भाई, धीरे और स्थिर होने का फल तो है ही, मैंने तो बस अपनी धैर्य से यहाँ तक पहुँचा है, जबकि तुमने अपनी अहंकार की मित्रता बनाई है। खरगोश ने अपनी गलती समझी और उसने कछुआ से माफी मांगी। उसने समझा कि अहंकार और धैर्य में ही असली विजय है। उसने कछुआ के साथ दोस्ती की और धीरे चलने का फल भी उसने समझा।